दोस्तों तो कैसे, दोस्तों सब सभी अच्छे होंगे, भगवान दुआ से। तो आज फिर से एक रेसिपी लेकर आया कि राजमा रेसिपी बनाया हो, जो आपको भी घर में इस तरह नहीं बनाया, तो आप घर में स्वादिष्ट किस तरह बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो को आज के नौ सौ में क्या अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपना रेसिपी की तरफ बनाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं आपको समझने का आते हुए। इसको मैंने रात में भिगो लिया हूँ, ये देखिए हमारा राजमा भिगो के अभी बहुत अच्छी तरह से बन गया है। मैं इसको उबालूँगा और किस तरह से हमको मसाला बना के इसमें हमको तड़का लगाना है वो मैं सारे बताऊँगी। और ये बहुत अच्छा लगेगी होटलों के जैसे खाने में, घरों में अभी बना सकते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो, अभी बना के आपको मैं दिखाती हूँ सारे चीज़। तो बने रहिए, मैं इसको गैस पर उबालने के लिए मात्र कम से 20 मिनट मैं इसको राजमा को बहुत अच्छे से उबालूँगी। इसमें सबसे पहले मैं हल्दी नमक डालूँगी। तो मैंने देखो हमारा किस तरह ये है, जो हमारा राजमा सॉफ्ट हो गया है। और इसमें हम एक थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें जीरा मैं ऐड कर दिया। मैं जीरा को थोड़ी देर भूनूँगा, उसके बाद मैं कटे हुए प्याज डाल देता हूँ और थोड़ा देर मैं इसको चलाता हूँ। और मैं इसको हल्का सा कच्चापन प्याज का जो निकल जाए इस तरह मुझे भुनना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ी देर कच्चा प्याज को मैं अच्छे से धो लेता हूँ। और मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। और इसमें हम डाल दें टमाटर और थोड़ा देर मैं इसको बढ़िया से पकाते रहूँगी। और इसको मैं थोड़ी देर उसके मैं ढक दूँगी ताकि हमारा अच्छे से टमाटर पक जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देता हूँ, स्वाद तो अपना आप देख लीजिएगा। मैं इसको 2-3 मिनट तक के लिए ढक दिया हूँ। और मैं देखिए हमारा टमाटर प्याज पीस के, प्याज टमाटर हमारा अब पक गया है। मैं इसको अब ग्राइंड करूँगा, थोड़ी ठंडी कर लेता हूँ। इसके मैं ग्राइंड करके फिर मैं प्यूरी बनाऊँगी। तो दोस्तों मैं देखिए मैं ग्राइंड कर लिया हूँ, प्यूरी मेरा रेडी। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल ले लिया हूँ। अब इसमें मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर हम डाल दिया हूँ। और इसमें हम ऐड किया हूँ प्यूरी। और देखिए इस तरह इसको चलाते रहेंगे, अब पकने तक मैं इसको ग्राइंड करना है एकदम से बढ़िया से। इसलिए थोड़ी देर पकाते हैं। इसमें धनिया मिर्च सीख है, धनिया पाउडर थोड़ा सा इसमें चलाते रहेंगे। और आधे चम्मच टर्मेनियम जो हल्दी, थोड़ा नमक डाल दिया हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर पकाते रहूँगी, कम से कम। अब देखिए हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर तक इस पर भूनूँगी और मैं थोड़ी देर के लिए ढक देता हूँ। तो हमारा मसाला भुन गया है, तो देख रहे कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम सब बेस्ट कलर आ रहा है। और तिलका तो आप देखिए किस तरह हमारा मसाला पक गया है। और इसमें हम अब थोड़ी देर के बाद राजमा डालते हैं और इसमें थोड़ा सा कटी हुई मिर्च भी डाल दिया हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ी देर इसको चलाऊँगा पकने तक, 2-3 मिनट मैं इसको पकाते रहूँगा धीमी आँच पे। आप चाहे तो हल्का सा आँच अपना तेज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप काम करिएगा। तो मैं इसमें अब देख रहा हूँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हूँ ताकि इसे जले ना। और ये हमारा राजमा देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम सब बेस्ट देखिए एकदम। तो अच्छा है कि थोड़ी देर हम इसको 1-2 मिनट पका लेते ताकि इसको ढक के, तो अपना और भी अच्छा कलर आ जाता, स्वादिष्ट बन जाता जब हम अच्छे से पकाते ढक के। तो और देखिए हमारा बन के अभी रेडी हो चुका है।
तो देखिए अब हम इसको देखिए, हमारा अच्छा कलर एकदम सॉफ्ट भी हमारा राजमा बन गया एकदम से गले है। आप देख रहे हैं किस तरह, बिल्कुल तो बहुत बेस्ट है। तो चलिए हम अब इसको बन के हमारा रेडी है। अब तो हम प्लेट आउट करते हैं और देखिए हम इसके ऊपर से धनिया डाल देता और थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि हमें अच्छे खुशबूदार राजमा हमारा बन के अब तैयार हो। तो मैं अब आप चाहते हैं तो प्लेट भी आउट कर सकते हैं अपने परोसने के लिए। अब तैयार है तो रेडी हमारा। तो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कुकिंग घरों से बने रहिएगा। तो चलते, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।